चलिए देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। पहले छोटे छोटे कुछ टॉपिक बताए, फिर एक बड़ा बताएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। न्यूटन का सेकंड लॉ हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल याद कर लीजिएगा, पीछे देख लो, हैमिल्टन प्रिंसिपल पीछे देख लीजिए। आई बराबर T1 to T2 LDT, लैग्रेंजियन का इंटीग्रेशन फिक्स्ड टाइम के बीच में, फिक्स्ड पोजीशन के बीच में क्या रहता है, कांस्टेंट। ये है आपका आई, जहां पर लैग्रेंजियन एल की वैल्यू, वेयर लैग्रेंजियन एल बराबर टी माइनस वी है। काइनेटिक एनर्जी को के की जगह टी से दिखाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को वी से दिखाते हैं। टी है काइनेटिक एनर्जी, वी है पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख दिया पोटेंशियल पी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये रख दिया तो आई बराबर T1 to T2, एल की वैल्यू रख दिया T माइनस वी डी थी। अब हमने इसमें वेरिएशन ले लिया, वी टेकन वेरिएशन, के की जगह टी ले। अब वी टेकन वेरिएशन, नाउ वी टेकन वेरिएशन, हमने वेरिएशन ले लिया डेल्टा आई बराबर T1 to T2 डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा वी डी थी। अब ये जो आई है ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब आपका आया T1 to T2 डेल्टा टी डेल्टा वी डी टी बराबर जीरो। टी की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी
टी की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, वी का मतलब वेलोसिटी का मतलब आर का डिफरेंशिएशन, आर डॉट वी का मतलब आर डॉट, तो टी बराबर हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करिए डेल्टा टी हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर टू आर डॉट डेल्टा आर डॉट, टू से ये टू, तो डेल्टा टी एम आर डॉट डेल्टा। अब वर्क डन डेल्टा डब्लू बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में कंजर्व होती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। जो कार्य किया जाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा है, कंजर्व हो रहा है इंटरनल, इसलिए माइनस लगता है, तो डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा डब्ल्यू की डेल्टा वी की वैल्यू माइनस एफ डेल्टा, ये वैल्यूज आप रख दीजिए। ये वैल्यू आप रख दीजिए, तो पुट करिए इक्वेशन 5 और 6 को 4 में, यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 में यूज करें, तो T1 टू T2 डेल्टा टी डेल्टा वी टू डी टी, तो T1 टू T2 डेल्टा टी की वैल्यू है एम आर डॉट डेल्टा आर डॉट, डेल्टा वी की वैल्यू है माइनस में एफ डेल्टा आर, तो ये हो गया प्लस एफ डेल्टा आर इंटू डी टी बराबर से। अब ये आ गया T1 टू T2 एम आर डॉट डेल्टा आर डॉट इंटू डी टी T1 टू T2 एफ डेल्टा, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा, एम को बाहर किया, आर डॉट को ऐसे ही रखा, डेल्टा आर का किया, तो डेल्टा आर T1 टू T2 फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस में T1 टू T2, ठीक है, एम बाहर कर लो, आर डॉट का डिफरेंशिएशन डबल डॉट हो गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन डेल्टा आर हो गया टू DT प्लस T1 टू T2 एफ डेल्टा आर DT। इसमें डेल्टा आर की वैल्यू T1 T2 पर जीरो हो जाएगी, T1 T2 पर डेल्टा आर चेंज जीरो आ जाएगा क्योंकि वहां फिक्स चेंज है, तो ये बचा जाके माइनस में एम
T1 to T2 R dot delta R dt T1 to T2 इधर बैठ जाओ ना आस्तोस। इनको कितना मजा आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। तो ये देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। देखिए आई टी वन टू, इधर देखो आई टी वन टू टी टू एल डी टी, आई टी वन टू टी टू एल डी टी। ये हैमिल्टन प्रिंसिपल था कि आपने अगर दो फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में दो फिक्स्ड पोजीशन ले लिया और लैग्रेंजियन का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो वो फिक्स्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपका लैग्रेंजियन, मतलब वो जो पोजीशंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने टाइम कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है। मान लो एक्स वन पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग टाइम कोऑर्डिनेट ले लिया, या आर वन पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम कोऑर्डिनेट ले लिया, आर टू पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। अब तुम कहो टाइम कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे, लाइट को ऑरिजिन, जैसे मान लो ये लिया एक पोजीशन, एक लिया ये, तो आप कहोगे ये इससे हम टाइम कोऑर्डिनेट कैसे, तो ये तब जब ऐसा टाइम कोऑर्डिनेट लेना हो तो हम हमारे पास एक ही तरीका है कि उस पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा समय, फिर उस पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा समय, तो वो टाइम कोऑर्डिनेट, वो टाइम कोऑर्डिनेट लाइट को ऑब्जर्वर तक, तो T1 to T2, तो T1 का मतलब R1 पोजीशन के अकॉर्डिंग, T2 का मतलब R2 पोजीशन के अकॉर्डिंग, लैग्रेंजियन का उस टाइम डेट टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट, जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट। अब यहाँ लैग्रेंजियन L की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को T से पोटेंशियल एनर्जी को V से रख दिया। अब हमने नाउ वी टेकन वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंज, और लैग्रेंजियन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो फिक्स आती है, ये आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो जब कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका वेरिएशन क्या होगा, जीरो, तो वो आपका वेरिएशन आपका जीरो हो गया। तो जब भी आई लोगे उसका अगर डिफरेंशिएशन करो या चेंज लो तो जीरो, तो T1 to T2 डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी डी टी बराबर जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी टी का मान हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या रख दिया आर डॉट, ये वेलोसिटी है। अब वी की वैल्यू आप क्या लिखते थे, वी की वैल्यू आप लिखते थे डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जगह हमने क्या कर दिया आर डॉट, दोबारा कर दिया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो उसको क्या कर देंगे आर डबल डॉट, ठीक है, डॉट लगाते हैं। ये हम पीछे भी कर रहे थे, क्यूजे ले रहे थे कोई पोजिशन कोआर्डिनेट, एक था क्यूजे डॉट, क्यूजे डॉट एक बार डिफरेंस है। अब ये t बराबर हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएशन किया, वेरिएशन का मतलब ही है, डेल्टा का जो d लेते हो वेरिएशन है, तो इसका मतलब ही है डेल्टा t बराबर हाफ एम, और इसको r डॉट को बाहर किया 2 r डॉट डेल्टा, 2 से ये 2 कट गया m r डॉट डेल्टा r डॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी
डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो डेल्टा वी है वो किसके बराबर है, वर्क डन के, डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू एफ डेल्टा आर, एफ डेल्टा आर डेल्टा वी की वैल्यू होगी। अब आपने यहाँ पर ले लिया टी वन टू टी टू डेल्टा टी डेल्टा वी डी टी बराबर जीरो। डेल्टा टी का मान एम आर डॉट डेल्टा आर, इसका मान एफ डेल्टा आर इंटू डी टी। अब हमने टी वन टू टी टू एम आर डॉट डेल्टा आर इंटीग्रेट करें डी टी, टी वन टू टी टू एफ डेल्टा आर डी टी बराबर जीरो। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो आपने एम को ऐसे रखा, आर डॉट एम को बाहर किया, आर डॉट को ऐसे रखा, डेल्टा आर का इंटीग्रेशन, डेल्टा आर डॉट का डेल्टा आर, टी वन टू टी टू। ठीक है, एम बाहर, आर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो आर डबल डॉट, सेकेंड का इंटीग्रेशन डेल्टा आर डी टी, और ये एज इट इज। अब जो चेंज है पोजीशन का टी वन टी टू कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, जीरो। मतलब डेल्टा आर की वैल्यू हमारी उन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हम चेंज क्या मानेंगे, जीरो। तो वो हमने जीरो, जब हमने ज़ीरो ले लिया तो ये बचा जाके। अब ज़रा कर लो, उधर भेजो, एक साइड उधर कर लो, तो ये हुआ जाके T1 टू T2 F डेल्टा आर डी टी एम T1 टू T2 R डेल्टा डी टी। दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दिया तो एफ डेल्टा आर एम आर डबल डॉट डेल्टा आर हटा दीजिए, एफ बराबर एम आर डबल डॉट का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो न्यूटन सेकेंड ला आ गया। एक्सेलरेशन ए बराबर आर डबल डॉट या ए बराबर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो एफ बराबर एम ए। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड है। दिस इज द required Newton's second law. This is the required Newton's second law. ये एक छोटा सा प्रूफ, हैमिल्टन प्रिंसिपल से न्यूटन का सेकेंड लॉ। इधर ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब आए हुए ही हैं जितने भी हम पढ़ा रहे हैं। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से जो शुरू हुए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी इक्वेशन लानी है। जो SHM एग्जीक्यूट करता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर x एक्सिस में कर ले किसी एक एक्सिस, y z पे पढ़ने में अजीबोगरीब लगता है,
तो स्टार्टिंग एक्स से होती है, हमारी आदत भी एक्स की है, तो हम अगर वन डायमेंशनल बात करेंगे तो एक्स पे ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, एक पार्टिकल है या बॉडी है एग्जीक्यूट कर रही है SHM, ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। पार्टिकल है एक तरफ मिनिमम टू मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम टू मैक्सिमम, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स है टी टाइम, पार्टिकल का मास एम है, मास एम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर टी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी टी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तस्मीम क्या नाम, तुम बहुत टाइम लॉस कर रही हो क्या, 26 जनवरी को भी नहीं आ पाई थी, ये तुम्हारे साथ में बगल में रहती है, इनके साथ आ जाया करो, बगल में रहती है। हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, वो एक विजयनगर में एक स्टूडेंट है BSc पार्ट टू में, उसका नाम अंजलि है, हाँ, तो उसने अपने उसके मकान मालिक जो थी लड़की, तो उसने हाई स्कूल किया था, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया, 4-5 साल हो गया। अब अंजलि ने उससे कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसको बहुत समझाया कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ग्रेजुएशन तो तुम्हें करना ही चाहिए, उसके घर वाले भी कहेंगे अब ये पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ नहीं पाएगी, पर अंजलि उसे लगातार समझाती रही, और उसके बाद फिर वो और हमको इतना फ़ोन कर करके इसका एडमिशन करवा दीजिए किसी तरह, तो हमने कहा कि पैसे वो उसके पास ज़्यादा नहीं थे, गरीब थी, तो हमने हर साल इंटर में उसमें जब इतने साल का गैप हो जाता है तो एडमिशन नहीं होता, हाँ 11th में, तो वो एडमिशन हाई स्कूल कर चुकी थी, तो उसको एडमिशन हो नहीं सकता था, 7 साल का गैप हो गया था, तो फिर हमने DIOS ऑफिस, वो इतना हमने कहा जाओ तुम चली जाओ, तो अपना उसको लेके DIOS ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद उसने जब वहाँ जाओगे तो अधिकारी है, उससे कहा रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने परमिशन दे दिया, तो उसने एडमिशन, तो देख लो ये पढ़ाने तो वैसे ही तुम्हें करना चाहिए, इसको लेके आओ, ये मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये पढ़े। उसने एडमिशन करा के माना, फिर हरसाए में नहीं हो रहा था, फिर हरसाए 3 बार आ गई, नहीं तो हम इंटर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, डिग्री में हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो वैसे तुम्हें क्या नाम है अलीसा, इनको डेली जगा के डंडे की जरूरत नहीं है, उसमें तो तुम परेशान हो जाओगे।
के बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए लैग्रेंजियन l की वैल्यू, l की वैल्यू t माइनस v है, हाफ m x डॉट का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर अब लैग्रेंजियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन आस्तोस बताएं, लैग्रेंजियन इक्वेशन डी वाई डी टी याद नहीं कर रहे हो, डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर जीरो। ठीक है, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन से हम निकालना जा रहे हैं। क्या निकालेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी वाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर जीरो। अब क्यू जे डॉट की जगह एक्स डॉट ले लीजिए, क्यू जे की जगह एक्स ले लीजिए, क्यू जे की जगह एक्स ले लीजिए। तो ये आ गया डी वाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर एक्स डॉट डेवर एल अपॉन डेवर एक्स बराबर जीरो। ये क्वेश्चन फाइव, ये क्वेश्चन फाइव है, ये सिक्स, ये बन गया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम L का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, डेवर L अपॉन डेवर x वी टेक इन डेवर L अपॉन डेवर x। तो डेवर अपॉन डेवर x, L का मान है हाफ m x डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। डेवर एल अपॉन डेवर एक्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, इसका हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो के एक्स आएगा माइनस में। डेवर एल अपॉन डेवर एक्स का क्या आएगा, के एक्स। तो डेवर एल अपॉन डेवर एक्स का के एक्स, माइनस के एक्स। ये हो गया सेवेंथ नंबर पॉइंट। फिर एक्स डॉट वाला कर लो, डेवर एल अपॉन डेवर एक्स, तो लैग्रेंजियन एल की वैल्यू है हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस।
तो इसका आएगा डेवर एल अपॉन डेवर एक्स डॉट, ये आएगा हाफ एम एक्स डॉट की वैल्यू टू एक्स डॉट, टू एक्स डॉट ये आएगी इसकी, तो ये वैल्यू आएगी डेवर एल अपॉन डेवर एक्स डॉट का एम एक्स डॉट। अब ये दोनों वैल्यू 7, 8 की वैल्यू आप इक्वेशन 6 में रख दीजिए, 7, 8 की वैल्यू इक्वेशन 6 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of devar l upon devar x and devar l upon devar x dot in equation 6 6 में रखना है, तो devar l upon devar x dot devar l upon devar x जी इसमें रख दिया जाए तो ये आपका d/dt, इसकी वैल्यू है m x dot, इसकी वैल्यू है के एक्स। एम एक्स डॉट का मतलब क्या हुआ, एम एक्स डबल डॉट के एक्स बराबर थी, या ये कह दो एम से डिवाइड कर देंगे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम से डिवाइड कर दिया के अपॉन एम इंटू एक्स बराबर जीरो। के अपॉन एम को क्या मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एस एच एम की। Thank you.
कर लिया। हाँ आस्तोस जैसा लिया हो गया नो। जब देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक पार्टिकल है या बॉडी है जो SHM एग्जीक्यूट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। पार्टिकल का मास m है, m मास का पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट x है t टाइम में। तो SHM के लिए ये इक्वेशन आ जाए d2x अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x बराबर जीरो, तभी SHM है ना। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर t बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू क्या रख दिया x डॉट का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी v का मान हाफ के एक्स स्क्वायर, लैग्रेंजियन l की वैल्यू t माइनस वी, t का मान है हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या है dy dt डेवर l अपॉन डेवर qj डॉट, डेवर l अपॉन डेवर qj बराबर जीरो, qj डॉट की जगह क्या ले लेंगे x डॉट, qj की जगह x। भाई ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स थे उनकी जगह पर इस डायमेंशनल एनालिसिस में आप x ले लीजिए वन डायमेंशनल। तो x qj की जगह ले लिया, qj डॉट की जगह x डॉट ले लिया। अब d बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर qj, डेवर l अपॉन डेवर x डॉट, डेवर l अपॉन डेवर x। अब डेवर l अपॉन डेवर x आप करिए जरा, डेवर अपॉन डेवर x, l की वैल्यू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा x डॉट वाला है हाफ एम जीरो, एक्स डॉट का भी डॉट है ना वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, ये बचेगा। तो हाफ के एक्स, एक्स स्क्वायर का करोगे टू एक्स आएगा तो एक्स बचा जाके के एक्स, तो माइनस के एक्स आ गया। एल की वैल्यू हाफ एम एक्स इसका करोगे तो हाफ एम और एक्स डॉट का क्या आएगा टू एक्स डॉट, इससे कट गया एम एक्स डॉट। तो डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर एक्स डॉट, डेवर एल अपॉन डेवर एक्स बराबर जीरो, तो डी बाई डी टी एम एक्स डॉट और इसका क्या आया के एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एम एक्स डबल डॉट के एक्स बराबर जीरो, ठीक है। ये आ गया डी टू, अब एम से डिवाइड कर दिया तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के अपॉन एम इंटू एक्स बराबर जीरो, या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM की, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन SHM की।